नौगढ़ में प्रशिक्षण कर रहे दो पीएससी जवानों के बीच गोलाबारी। जी हां, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र नौगढ़ थाना क्षेत्र के अमदाहा चौकी से, जहां दो प्रशिक्षु पीएससी के जवानों के बीच गोलीबारी हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हमारे संवाददाता की जानकारी के अनुसार नौगढ़ थाना क्षेत्र के अमदाहा स्थित अमदाहा चौकी क्षेत्र में पीएससी प्रशिक्षण कैंप है, जहां प्रशिक्षण कर रहे दो जवान समर चौधरी व दीपक चौहान, जो बरेली व गाजियाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं, किसी बात पर कहा सुनी हो गई, जिसकी प्रगति ESLR के माध्यम से उक्त गोलाबारी के स्वरूप हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चंदौली हेमंत कुटियाल ने दोनों जवानों को तलब कर दिया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी नौगढ़ भुवनेश सिकारा और थानाध्यक्ष नौगढ़ राम उजागर दोनों जवानों को लेकर चंदौली के लिए निकल गए। हमारे संवाददाता चंदौली से ब्यूरो रविशंकर मिश्रा। आज सुबह थाना नौगढ़ में अमदाहा चौकी पे पीएससी की एक पोस्ट है, जिसमें 12वीं वाहिनी पीएससी का एक प्लाटून नक्सल ड्यूटी पे है। उसी पोस्ट पर कमांडेंट 36वीं वाहिनी पीएससी के आदेश से विभिन्न वाहिनियों के 26 लड़के ये नक्सल व्यावहारिक प्रशिक्षण पे आए हुए थे। इसी में से 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली से दो आरक्षी दीपक चौहान और समर चौधरी, उन 26 बच्चों में ये लोग भी शामिल थे। आज सुबह ये सभी आरक्षी सोशल कर रहे थे। सोशल करने में काम को लेकर के कुछ आपस में कहा सुनी हुई, और इसमें दीपक चौहान और समर चौधरी में आपस में वहीं पे लड़ाई हो गई। लड़ाई के फलस्वरूप दीपक चौहान वो फावड़ा लेकर के इसको मारने दौड़ा, तो इसके अन्य साथियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया, लेकिन आरक्षी दीपक चौहान उसके बाद छत पे चढ़ गया और अपनी सर्विस SLR राइफल से एक फायर कर दिया, जिससे जो है आरक्षी समर चौधरी बाल बाल बचा। इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को संज्ञानित करा दिया गया है। आरक्षी समर चौधरी से तहरीर प्राप्त हो गई है, उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।